जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। दो बार पशुपति व्रत कर लिए आपने, ये कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो होती है। बुधवार के दिन अगर शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़का जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं। हमारा 3 से 4 दिन लगेंगे, जो व्यापार ठप्प पड़ा था उसमें थोड़ी सी उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी। से दो, जो जो भी दे रहे हो ना, दिल से प्रदान करो। आज एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज जी, कभी आपको लगे ऐसा कि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम बंद सा हो गया, फैक्ट्री चल रही थी एकदम बंद सी हो गई, मेरा व्यापार ही नहीं बढ़ रहा, तो प्रयास करना, तांबे के कलश में जल लीजिएगा, बेलपत्री नीचे हाथ में रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा, महाराज उल्टा हाथ उस तांबे के कलश पर रखिएगा, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करिएगा, ऐसा कैसा ही पात्र लेकर जाइए, अंगूठे से और उंगलियों से पात्र को पकड़कर बेलपत्री हाथ में ही रखे रहने देना, अपनी जिस कामना से जो भी व्यापार है आपका, जो फैक्ट्री है, जो व्यवसाय है नहीं चल रहा, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो नहीं हो रहा, तो जल का पात्र पकड़कर हाथ का स्पर्श कर जल, श्री तुम्ब रूपेश्वर महादेव, कौन से महादेव, तुम्ब रूपेश्वर महादेव के नाम से शिव को चढ़ा दीजिए, बाद में पात्र को नीचे रखकर बेलपत्री शंकर जी पे जब चढ़ाएं तो इस डंडी के भाग को अशुक सुंदरी का स्थान होना चाहिए, चढ़ाते समय डंडी का भाग अशुक सुंदर की ओर रख दें महाराज, झोली पसार कर प्रणाम करें, बाबा से निवेदन कर कर आए। 3 से 4 दिन लगेंगे, जो व्यापार ठप्प पड़ा था उसमें थोड़ी सी उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम रूपेश्वर महादेव, भगवान शंकर आनंद की राशि है, शिव सुख की राशि, आनंद देंगे। शंभो शरणे मांगू हरि दुख दया करी निदर, भगवान शिव ओघरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अमीनाशी शंकर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। सूखे आम के पत्ते जमीन पर गिर जाएं, कैसे पत्ते, जब पतझड़ का मौसम आता है तो आम के जो पत्ते नीचे जमीन पर झड़ते हैं, 21 पत्ते इकट्ठे कर उसको आग लगाकर जलाकर भस्म तैयार कर लीजिए, और जिस पुरुष नारी को चर्म रोग हो जाए, चर्म रोग, कहीं खुजली चल रही हो, कहीं दाने पड़ गए हो, कहीं चमड़ी सफेद लाल काली पीली जैसी पड़ गई हो, कहीं दाग हो रहे हो, चर्म रोग, कहीं खुजाल चल रही हो, तो शिव महापुराण की कथा का ये संवाद याद रखिए, लिंग पर आम के पल्लव को जो वर दिया गया, तो आम के 21 पत्ते इकट्ठे कर उसको आग लगाकर उसकी भस्म तैयार कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर शाम के समय प्रदोष काल में चढ़ा दीजिए वो भस्म, और उस भस्म को उठाकर लेकर आ जाओ, डब्बी में भर लो और गाय का घृत उसमें डाल लीजिए और उस स्थान पर लगाना चालू कर दीजिए, 3 दिन में दांत खाद खुजली जो भी होगी मिटना प्रारंभ हो जाएगी, उसमें इतनी प्रबलता आ जाती है। शंकर को जो भस्म चढ़ी है, आम के पत्ते की भस्म का भी हमारा शास्त्र वर्णन करता है, उस भस्म को अच्छा छान कर पीस कर उसका आनंद, उसकी कोई दुकान आप डाल रहे हो, नया व्यापार चालू कर रहे हो और लग रहा है कि चलेगा कि ना चलेगा, पहले भी मैंने 2-4 दुकान डाल कर देख ली नहीं चली, अब नया डाल रहा हूँ, कर्जा कर डाल रहा हूँ, पैसे ला कर डाल रहा हूँ, चलेगा नहीं चलेगा, तो उसके लिए सबसे पहला काम करो, कम से कम दुकान खोलने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरवाल बांध, दुकान का मुहूर्त होने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरवाल बांधो, और कहीं आम के पत्ते की भस्म मिल जाए, वही भस्म जो आम के पत्ते 21 उठाए सूखे वाले, अलग से तोड़ के मत सुखाना, जो पत्ते नीचे गिरे हों उसको उठाकर सुखाकर, सूखा हुआ जो पत्ता हो उसको जलाकर उसकी भस्म बनाकर उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर, और उसी से सम्मुख में जहां 7 दिन पहले तुमने बंदरवाल बांधी है, दुकान खोलने वाले दिन उसी
आम के पल्लव की भस्म जो शिव पर चढ़ी थी उसी में चंदन मिला हुआ, वो एक स्वस्तिक स्वस्तिक का निर्माण कर दो, फिर आप अंदर कोई पूजन करो ना करो, आपने कोई अनुष्ठान करा ना करा, यज्ञ पूजन करी ना करी, अगर आप प्रवेश भी कर गए, इतना आपके पास धन नहीं था पर आप प्रवेश भी कर गए, तो भी घाटे में नहीं जाओगे, व्यापार उन्नति की ओर ही बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा उसमें। आम के पल्लव में अगर कामदेव छुप कर भस्म होते हैं तो शंकर मेरे आम के पल्लव को भी वर प्रदान कर देते हैं, आम के पल्लव को भी शिव बन देते। शिव महापुराण में वर्णन मिलता, विद्धेश्वर संहिता में स्पष्ट कहा गया, जो शंकर जी को एक लोटा जल समर्पित करता है उस जल का मात्र स्पर्श कर नेत्रों को भी छुआ लेता है, उसकी कत्तर पीढ़ी में कभी कोई भूत और प्रेत नहीं बनता, उतर जाता, उसकी 71 पीढ़ी में भूत प्रेत। अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं तो बेलपत्री एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर दूसरी बेलपत्री बाबा देवाधिदेव महादेव को, ये डंडी का मुख अशोक सुंदरी के यहाँ चढ़ाओ तो उत्तर की ओर, ये जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर इसकी डंडी का मुख भी उत्तर की ओर, और तुम जब बैठो तो दक्षिण में बैठना, कहाँ पर बैठना, यहाँ बैठोगे तो यहाँ से जो पानी बह रहा है उत्तर में, तो तुम जब यहाँ बैठोगे तो ये जो जलाधारी है जहां से पानी बहकर जा रहा है यहां बैठोगे, और जब आप जल समर्पित करोगे, जल चढ़ाते चढ़ाते एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर जल की धार को अशोक सुंदरी तक लेकर जाना, ये लगभग तुम 2 या 3 महीना कर देखो, मेरा बाबा तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगा। नमस्ते भीम दर्शकों, हर हर महादेव, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दर्शकों, जैसा कि अभी आपने सुना कि पूजनीय पंडित जी आपको इस वीडियो में बहुत ही सुंदर सा उपाय बताए हैं, आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। व्यापार आपका नहीं चल रहा है, आपका जो भी व्यापार हो, छोटा बड़ा जो भी व्यापार है, आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, आप बहुत पैसे खर्च कर लिए फिर भी आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार चलते चलते बंद हो जाता है, तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। आपको यहाँ पे दर्शकों एक बेलपत्र लेना है, नहा धोकर स्वच्छ होकर आप इस उपाय को करिएगा। बेलपत्र आप अपने सीधे हाथ में हथेली पे रखिएगा, उसके ऊपर आप एक तांबे के पात्र में जल भर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा बेलपत्री आपकी फटी और कटी नहीं होनी चाहिए। जल रखने के बाद दर्शकों आपके आसपास जो महादेव की मंदिर हो, आपको जल नीचे नहीं रखना है, उसी हाथ पे लेके चले जाइएगा, बन सके तो आप बिना चप्पल पहने हुए जाइएगा मंदिर में जाएं, उसके बाद आपको जल बदलना नहीं है, उसी हाथ में आपको जल लेके जाना है और उसी हाथ से आपको जल भी समर्पित करना है। आपका जो भी व्यापार है, अपना नाम और गोत्र बोल के आप अपने व्यापार का ध्यान करके महादेव के शिवलिंग पर आप जल को समर्पित करिएगा। जल समर्पित करते समय आपको इस नाम का जाप करना है, श्री तुम्ब रूपकेश्वर महादेव के नाम से आप जल समर्पित करिएगा। जल समर्पित करने के बाद बेलपत्र को आप देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर दीजिएगा। जो डंडी का भाग है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पूजनीय पंडित जी कहते हैं जल समर्पित करने के बाद आप एक घी का दीप प्रज्वलित करें। किसी भी मंदिर में जाइएगा तो आपको दीप अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, आपकी कोई भी मनोकामना हो एक घी का दीप प्रज्वलित करें। झोली पसार के आप महादेव से प्रणाम करें, आपकी जो भी मनोकामना है, जिससे आपका जो भी व्यापार है उसके लिए प्रार्थना आप करिएगा महादेव से। पूजनीय पंडित जी कहते हैं जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसका व्यापार बहुत जल्दी चलने लगता है, धीरे धीरे आपके व्यापार में तरक्की होने लगेगी, आपका व्यापार चलने लगेगा। तो दर्शकों आप इस विशेष उपाय को अवश्य करिएगा। यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, जो भी हम आपको उपाय बताते हैं पूजनीय पंडित जी की कथा सुनकर समझकर आपको समझाने का प्रयास।